अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो जी, बारिश के बाद का जो खिलाड़ा है ना, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आज धूप निकली थी। कल जैसे कि बारिश वाला दिन था, तो कल तो कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सके थे। कल मुसलसल सारा दिन बारिश रही है, ठीक है। तो उसके बाद जो जी खिलाड़ा देखे, ये ज़मीनों पर टेक्सचर पड़े हुए थे, लेकिन बारिश इतनी स्पीड, मतलब इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है लगातार, लेकिन इस तरह की बारिश हुई है कि जिसमें आपकी शेप्स जो है ना ख़राब नहीं हो। जैसे कि आप देख रहे हो, ये टेक्सचर मेरे ज़मीन पे पड़े हुए थे दोनों, लेकिन ये स्टिल अपनी शक्ल की मौजूद है जैसी थी। और ये देखिए, कोई टेक्सचर मेरा शुक्र अल्लाह का ख़राब नहीं हुआ, वो पहले से डैम था। और बाकी देख ले, अब माशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद है धूप ही रहेगी, तो ये टेक्सचर्स जो जल्दी ड्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो ज़रा से डैम है, ज़रा से हल्की सी नमी रहेगी ड्राई रहने होने के लिए, ठीक है। रेड रेड देखें कितनी गंदी लग रही है। चलो जी, ये बकेट्स, मेरी दुआ है कि दो दिन में ड्राई हो जाए अच्छे से। उम्मीद है क्योंकि धूप बड़ी कड़क निकल रही है, उसमें धूप में ना थोड़ी सी हीट अब है। पहले जैसे धूप निकलती थी तो ठंडी नहीं लगती थी, लेकिन अब की जो धूप है ना उसमें हीट है। मुझे इस मार्केट टेक्सचर भी बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह से पड़े रहे हैं। बारिश हुई है लेकिन टेक्सचर्स की जो शक्ल है ना वो ख़राब नहीं हुई है। वो देखें, ये देखें। तो चलें अब जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एक वीडियो बनाऊँगी मैं। तो काम शुरू करते हैं, टब में कितना खिलाड़ा है, टेक्सचर्स की शेप्स बना के रखूँगी मैं। तो मिलते हैं फिर बाद में आपसे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैंने ना ये ब्राउन डर्ट का टब जो है ना ये टर्न किया था, तो उसकी ना क्या कहते हैं थोड़े से चंक्स दिखने थे, क्योंकि बहुत ही ना पेस्ट वाला टेक्स्चर हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ थोड़ी सी इसकी डैम प्रॉब्लम शेयर कर देती हूँ। टेक्स्चर तो इतना नहीं है, देख लें आपको तो कितना फुसका सा टेक्स्चर है ये। तो 5 बज गए, अच्छा ये देखिए, मेरा वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा। सफाई मैंने साइड छत की कर ली थी, और साइड की चीज़ें उठा के एक दफ़ा सारी जो है टेक्सचर जो ज़मीन पे उनको साइड पे करके, तो मैंने ना कर लिया था सारा काम क्लीन। तो मैंने ना फिर ये टब बाहर निकाला, मैंने कहा कि मैं आपको दिखाती हूँ डैम क्रम्बलिंग थोड़ी सी। चलिए फिर आपको एक नज़र दिखाती हूँ, वर्कर्स ने कितनी क्लीन कर ली है आपके सामने। थोड़ी सी ये देखिए, मैं जो चीज़ें पड़ी थी ना उनको मैंने उठाया यहाँ से, सारी चीज़ें उठा के एक दफ़ा वाइपर में, फिर शीट्स जो गिरी थी उनको उठाया मैंने, तो अब सब जगह क्लीन। हाँ जी जी, कल तो मैंने व्लॉग जो था वो बंद कर दिया था, क्योंकि रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला मेरे पास। मुझे क्या कहते हैं, वीडियो भी मेरी सही नहीं बनी थी, वो मैंने ब्राउन डर्ट की ना वीडियो बनाई थी, तो मुझे वो टेक्सचर ना बहुत डैम्प लगा था, उस वजह से मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था ना उसको। मैंने कहा कि मैंने इतने दिनों का इसको रखा हुआ है, मुझे लगा ये ड्राई हो गया होगा, तो ये स्टिल डैम्प है। तो मैंने हालांकि उसको कवर भी करके रखा था, वो गीला भी नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो डैम था। तो मुझे ना बड़ा ही गुस्सा चढ़ गया था, आप मेरी वीडियो में देखना, उसके अंदर मेरा मूड इतना ऑफ हुआ है ना उस टेक्सचर को लेके, कि मेरी क्रम्बलिंग भी नहीं, वो शेप्स इतनी भारी थी ना, मतलब इतनी भारी शेप्स थी ना कि मुझसे उठाई भी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो टेक्स्चर में ना बड़े मेरे ज़्यादा स्टोन्स डाले हुए हैं। इस तरह से ना वो टेक्स्चर थोड़ा सा हैवी किस्म का है, लेकिन जब वो मैंने देखा कि इसने तो
अपनी लगी क्या कहते हैं करती है। अच्छा मुझे ना एक सब्सक्राइबर, क्या नाम है उनका मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि जब आपने इनकी चंक्स निकालती हैं इनको क्रम्बल की जो चंक्स होते हैं ना ये रबड़ की तरह होते हैं, ये तो ये जो चंक्स होते हैं ना ये रबड़ की तरह होते हैं, यानी कि ये सॉफ्ट, इनको क्रम्बल करके इनका वो साउंड नहीं आता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बाकी टेक्स्चर की तरह क्रम्बल करोगे, लेकिन ना ये मैंने अभी टेक्स्चर बाहर निकाला है और ये देखें ये रबड़ पेस्ट, ये पेस्ट की तरह है। ये देखिए मैंने इसको अभी चंक्स जो निकाले थे उसका जो क्रम्बल था ना उसको मैंने ऐसे, ये देखिए तो ये इस तरह का होता है, तो इसको क्रम्बल करने का कोई बनता नहीं है सीन। एनीवेज चलिए अपना काम करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा ये देखिए मैंने ना वो जो प्योर डर्ट का टेक्सचर था ना मेरा डी यू सी मट है जो उसके मैंने टबल टाया, तो ये चंक्स निकले मैंने वो थोड़े सेव कर लिए। बाकी टेक्सचर जो आपके सामने ही है देख रहे पाउडर, इसकी मैं शेप्स बना के रख दूँगी, तो मैंने कहा ये थोड़ा काम समेट लूँ। यू नो पता क्या, जब मेरा खिलाड़ा पड़ा हो ना मेरा वीडियो बनाने की जब ध्यान नहीं जाता, मेरा ये कहता कि मैं सोच इस चंक को भी सेव कर लूँ, काफ़ी बड़ा है सही से बड़ा है। तो ये देखिए साउंड ही नहीं है, इसकी भी शेप ना कर देती हूँ ठीक है। और फिर मैं वीडियो बनाने जाती हूँ क्योंकि एक वीडियो बनानी है मैंने इंशाल्लाह। तो ये चंक था मैंने आपके सामने क्रम्बल करना जो थोड़े थे, ये रख देती हूँ मैं ठीक है, ये रख दूँ फिर मैं आपको सेटअप दिखाती हूँ जो मैंने थोड़ा सा टेक्सचर को लेके किया है। अच्छा मैं आपको दिखाती कि देखिए चंक्स तो थे मैंने, जो चंक बने थे उनके चंक बना लिए और जो शेप्स बनी है ये रहा रिजल्ट। अच्छा तो जो शेप्स तीन चार ही बनी है शेप्स, और ये देखिए ब्राउन डर्ट जो मेरी पड़ी हुई थी परसों मैंने, जबकि मैंने वो डैम टेक्सचर की स्लैब वीडियो क्रम्बलिंग की थी बारिश में, उसके बाद की मैंने रात को इसकी शेप्स से वाले बॉल्स बना करके रख दिए थे क्योंकि बड़ा पेस्ट वाला टेक्सचर हो गया था, तो मैंने फिर बॉल्स ही बना दी। मैंने कहा क्या इसको मैं फैला के रखूँ, टाइम वेस्टेज है। फिर ना मैंने ये जो क्या कहते हैं जो मैंने कॉन्क्रीट डर्ट की से लिक्विड निकाला था ना उसकी डर्ट को जमा के जो मैंने रखा था सेट करके जो रखा था वो टेक्सचर के चंक मैंने आज निकाले और ये रखा, और जो पेस्ट था मतलब क्रम्बल था उसके अंदर मैंने ये डाल के ना इसका पेस्ट बना के डब्बे में डाल के रख दिया जो भी मॉल्ट है, और जो कॉन्क्रीट वाइट कॉन्क्रीट सैंड है उसकी शेप्स उठाई हैं, कुछ एक दो शेप्स टूट गई है मेरी तो उनके चंक्स बन गए तो मैंने वो रख दिए। और जो एक ग्रे डर्ट है जो मैंने ग्रिटी सीमेंट की वजह से लिक्विड निकाला था उसकी डर्ट जो है वो निकाल के ये रखी है ताकि थोड़ी ड्राई हो जाए ठीक है। तो अब मेरी पीछे रह गई है बाकी एक ये वाली डर्ट और रह गई है एक ब्लैक डर्ट और ये वाली, ये जो मेरा येलो ग्रीन सैंड का लिक्विड निकला था उसका टेक्सचर है, और कल मैंने जो ये मेरा ब्राउन ग्रिटी डर्ट है बकवास वीडियो जो बन ली थी कल उसकी शेप्स मैंने रात को रेडी करके रख दी थी। तो अब मेरे पीछे जो टेक्सचर प्रिपेयर होने वाली है वो है रेड सैंड और येलो ग्रीन सैंड की शेप्स है। येलो ग्रीन सैंड की तो फिलहाल मैं जब तक डर्ट नहीं है रेडी करती तब तक इसको करती रहूँगी रेडी शेप्स ना के, जैसे ये मुकम्मल टेक्सचर रेडी हो जाएगा तब भी आपको पता चल जाएगा डिफरेंस ठीक है। तो अब मैं ज़रा काम थोड़ा सा बाकी कम्प्लीट कर लूँ फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अच्छा रेड डर्ट की वीडियो बना ली है तो ये मैं इस तरफ ही बैठ के बना रही हूँ, बड़ी गंदी हो गई हूँ मैं, चूड़ी बन गई। तो आपके साथ डैम का लिंक थोड़ी शेयर कर दूँ, तो फिर
व्लॉग का एंड करते हैं, ठीक है। इस सब को मैंने नहीं चलना, इस सब को मैं क्रम्बल ही करूँगी इनको। कहीं इधर उठा के ले जाओ, आवाज आ भी रही है, माइक बहुत दूर है। रिजल्ट पता नहीं कैसा आ रहा है, अंधेरा होने वाला है। नहीं डिस्टर्ब होके बंदे मेरी वीडियो बनाई है जिसका कोई हिसाब नहीं है आपको, क्योंकि उधर से बाजे उधर से बाजे हर कोई बोलने लगा हुआ है। अब वो भी अपनी ज़रूरी बातें कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। रेड डेट की वीडियो में मेरे हाथ आ गए थे, ऐसा लगता है टेक्सचर बहुत ज़्यादा है। चले जी, ये था जी छोटा सा व्लॉग, मैंने इतना ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किया, पता नहीं शायद 10-15 मिनट का होगा, ये इससे भी कम का। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। जिस सुस्ती से मेरे सब्सक्राइबर आ रहे ना, उतनी सुस्ती से ही मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। मेरा दिल नहीं करता, मैं कहती हूँ कि शायद मैं अपना काम कर रही हूँ, किसी को नहीं अच्छा लग रहा, तो कोई नहीं पसंद कर रहा, तो नहीं कोई सब्सक्राइब कर रहा। फिर मेरे अंदर वो जो एक होता है ना काम का करने का, वो स्लो हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ कि ऑफ कैमरा ही मैं सारे काम कर लूँ बजाय रिकॉर्ड करने के। एनीवेज अभी भी कुछ चंक हैं पड़े नीचे, सही है। चलो जी, ये था जी आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल बाकी काम जो करना होगा वो निपटा लेंगे, अभी के लिए मैं एंड कर रही हूँ व्लॉग। तो मिलेंगे साथ इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।